टीवी शो अनुपमा में सबसे पहले पारस कलनावत को कोरोना हुआ, इसके बाद वो कोरोना से जंग जीतकर वापस आए। फिर आशीष मल्होत्रा को कोरोना हुआ, जिसके बाद शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस से हर कोई परेशानी झेल रहा है, टीवी इंडस्ट्री की तो बड़े लेवल पर इससे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल भी कई महीनों तक टीवी शोज की शूटिंग बंद रही, जिससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ शो तो बीच में ही बंद हो गए। अब एक बार फिर से वैसा ही माहौल क्रिएट होता दिख रहा है। स्टार्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कुछ टीवी शो की शूटिंग बंद हो गई है, तो कुछ की अच्छी खासी चलती कहानी में बदलाव करना पड़ रहा है। और मेन लीड को अगर कोरोना हो गया तब तो पूछिए मत। टीवी शो अनुपमा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। शो में सबसे पहले पारस को कोरोना हुआ, उसके बाद वो कोरोना से जंग जीतकर वापस आए। फिर आशीष मल्होत्रा को कोरोना हुआ, जिसके बाद शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब जब रूपाली शूट नहीं कर रही है, तो मेकर्स को लास्ट मौके पर शो की कहानी में नए प्लॉट और किरदार जोड़ने पड़े हैं, जिससे शो में अच्छी मजबूती और स्टोरी लाइन बनी रहे। शो में जहाँ अनुपमा और वनराज के पिकनिक और तालाब का प्लॉट दिखाया जाने वाला था, वहाँ बीच में अब काव्या पाखी राखी किंजल का प्लॉट जोड़कर और काफ़ी अच्छी कहानी बनाकर दिखाई जा रही है, ताकि लोग इससे जुड़े रहें और इसे पसंद करते रहें।